बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर थोड़े छत्तीसगढ़ में कई जगह भाजपा के पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिन हितेशी कार्य योजनाओं एवं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के विकास कार्यों से प्रभावित होकर श्रीमती कलावती मरकाम पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया के नेतृत्व में खड़गवा विकास खंड के ग्राम मंगोरा की भाजपा समर्थित सरपंच श्रीमती रामवती व गिडमुड़ी सरपंच संतोष सिंह ने अपने साथियों के साथ मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के चिरमिरी स्थित कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने सभी नए सदस्यों को माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया व शुभकामनाएं दी। विधायक जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का किया, इसके बाद धान का बोनस बढ़ाकर 2500 रुपये किया, किसानों के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत कार्य किए, जन्म प्रमाण घर पहुंचा कर दिया जा रहा है, साथ ही कैंप लगाकर अन्य प्रमाण पत्र और कार्य किए जा रहे हैं, वन भूमि पट्टा का वितरण कांग्रेस की सरकार द्वारा किया जा रहा है, आदिवासियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना सरकार लेकर आई है, बच्चों के लिए स्वामी आत्मा नंद स्कूल खोले गए हैं जहां बच्चे इंग्लिश माध्यम से मुक्त पढ़ाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से बाजार बाजार जाकर स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ कोरिया से सुरेश मनोचा की रिपोर्ट। कैसा कांग्रेस में शामिल हुई हैं आप? कांग्रेस पार्टी अच्छा लगे इसलिए शामिल। क्या कारण से? मंगोरा की माननीय सरपंच रामवती जी, जो पूरे महिला सरपंचों के संघ की अध्यक्ष भी है, आज कांग्रेस के कामों से प्रभावित होकर माननीय एसएसपी भूपेश बघेल जी के, खास करके जो किसानों के लिए जो 2500 रुपये लगातार धान की जो कीमत मिल रहा है, जो नरवा गरवा गुरुआ बारी का जो कंसेप्ट है, जो महिलाओं के लिए जो आदिवासियों के लिए जो काम हो रहा है, उससे प्रभावित होकर आज कांग्रेस प्रवेश की है। हम सभी यहाँ माननीय हमारे कलावती जी जो जिले की जो अध्यक्ष थी, पूर्व अध्यक्ष थी, और जो भी सरपंच हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी के साथ इनका स्वागत करते हैं, पार्टी में इनका स्वागत है और उम्मीद करते हैं इनके आने से पार्टी बहुत मजबूत होगी।